टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आज जमकर डंडा चलाया। अथॉरिटी की अतिक्रमण हटाने वाली टीम के दस्ते ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगे ठेले व रेडियो को हटा दिया। जैसे ही प्राधिकरण का अमला कमर्शियल बेल्ट पर पहुंचा, इतने में ही वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और लोग अपने अपने अवैध अतिक्रमण को खुद भी हटाने लगे। प्राधिकरण को इस दौरान लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने प्राधिकरण पर केवल गरीबों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये प्राधिकरण का दस्ता किस प्रकार से अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है, किस तरह से ठेलियों व होर्डिंगों को ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन कुछ दिन तक तो अतिक्रमण साफ हो जाता है और जैसे ही प्राधिकरण का अतिक्रमण दस्ता नींद में सो जाता है तो फिर लोग अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ जो अभी प्रशासन जो आया, कुछ पुलिस वाले और अथॉरिटी वाले, उनका तो उठाएंगे नहीं जिनका उठाने लायक है। उन गरीबों का उठाएंगे, जैसे कोई मानो चाय वाला है या कुछ है, अरे पहले उनका उठाएं जो अमीर लोग हैं। किसी ने जनरेटर रख रखा है, किसी ने कुछ रख रखा है, सबसे पहले तो उनसे पूछे। अभी क्या है, जिसे मानो गरीब आदमी यूज करेगा उसके यहाँ जाके जो सबसे पहले कि भाई उठवाओ, और जो पैसे वाला है वहाँ कोई आज तक ना गया है ना उसे उठवाएगा। चल में जब से मेट्रो ग्रेटर नोएडा की चाली हुई है तब से लेकर आज तक कम से कम 50 ठेले वाले आए होंगे, किसी को परेशान नहीं किया गया। जहाँ पैसे की कमाई दिखने लगती है वहाँ लोग ये जाते हैं। अथॉरिटी वाले को पैसे का चस्का लगा हुआ है कि इधर मुँह मार घर उधर से पैसे कर कमाते अपना जेब में जाते हैं। सरकार को देता हमें बताओ। उसके बाद ये ऐसे इन जैसे भैयों का जो कि अपना पकौड़ी करके अपने घर का पेट पाल रहे, उन जैसे का ठेली लेके ये लोग इधर उधर कर रहे हैं। वहाँ से हटाए रेस्टोरेंट, वहाँ से ताला तोड़ी और इसमें लात मार रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना करने का। लेकिन आज इसके विरोध में भी कई लोग यहाँ दिखे, जिनका कहना ये भी है कि प्राधिकरण का डंडा बस गरीब लोगों पे ही चलता है और जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, जिनकी पहुँच ऊपर तक है, या जो लोग अमीर हैं, उनको ये भी नज़रअंदाज करके आगे को चल पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों की शिकायत भी प्राधिकरण को की गई, लेकिन प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल प्राधिकरण ने इनका अवैध सामान अपने कब्जे में ले लिया और लगातार छापेमारी चल रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।